ऐसे ही हमारे नेत्र की प्यास आज श्री किशोरी जी के दर्शन करके सो गाइस नीचे फंक्शन शुरू हो चुका है। आज है राधा जन्म अष्टमी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है हमारा राधा जन्माष्टमी। चलो आपको दिखाते हैं कि कैसे मनाई जाती है यहाँ पे, एंड आइए मेरे साथ। आज का भूमंडल के सौभाग्यपूर्ण भूभाग प्रजमंडल के ऊपर कैसी मनोमी झांकी का अवसर है। और यह दिव्य प्रकाश, दिव्यमय योगी पूर्ण दिव्य लीला आज का भूमंडल के भारतवर्ष के ब्रज प्रदेश के ब्रज भाग में है। कहो यह अलौकिक प्रकाश कैसो है, तनिक ध्यान में लाए कि देखो तो सही। इनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर ले हो और इन नेत्रों को पाने को। अरे मैंने सुनी है वहां लाली भाई है और लाली भी जल से निराली भाई है। मैं तो बरसाने जाऊंगी तो
चल बोलते चलेंगे। अरे मन भूल मन लगियो राधा रानी के चरण मोर, अरे मेरी मन मन ब्रज में लडुआ बटे।
बहुत बढ़िया गल है, मैं मेरा गुरुकुल याद आ गया यार। कंगी नहीं मारी इस पे? अच्छा पाने गाइस, ये था अपना राधा अष्टमी का उत्सव। ऐसे ही मनाते रहें, ऐसे ही करते रहें सिस्टम। और ये जो था ना, ये वाली जो राधा जन्म उत्सव की जो रासलीला है, ये चलती आ रही कम से कम 100 बरस से पूरे वृंदावन में। ना ये कोई करता है, ना किसी से हो पाती है, समझ रहे हो। एंड इस चीज़ का सौ साल से ये करते आ रहे हैं हम। मैं तो नहीं यार, महाराज जी, बड़े महाराज जी एंड ऑल एंड। और इस चीज का हम ना प्रचार करते हैं, महाराज जी कह रहे हैं कोई प्रचार नहीं। कोई जितने भी पब्लिक आती है ये वाली पब्लिक पे, अपने राधा अष्टमी के होली वाले बन बिहार वाली होली, ये बड़े महाराज जी ने चलाया। और मैं आपको एक और बताऊं, जो आज बिहारी जी में फूल बंगला लगता है, वो हमारे सबसे बड़े महाराज ने शुरुआत करी थी। उनके दिमाग में सबसे पहले थॉट आया था और सबसे पहले इस आश्रम में फूल बंगला लगना शुरू हुआ था। तब जाके मतलब जो भी पंडा होंगे या गोस्वामी होंगे पुराने, जो कि 60-70 साल के होंगे, उनको सारा पता होगा कि ये कहाँ से फूल बंगला बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का शुरू हुआ है। तो आपको पता है, हम उन्हीं ही गुरुवन के चेले हैं जो ट्रेंड सेट करते रहे। तो गुरु भी सोच समझ के चलना चाहिए, सुनवा रहे गुरु भी सोच समझ के बंदे को चुनना चाहिए, क्योंकि गुरु वो होना चाहिए जो पहलवान हो। चेला अपने आप पहलवान होता है, समझ रहे हो ना। बिल्कुल, एक गोरे कारे कुछ नहीं है, गए गोरे मिट्टी है, अंदरों काला ही है सारा कुछ। मैं दे लिया दिल दुल सब काला। बाकी इस कौन स्कूल जाते रहे हैं, मूड माड़ फ्रेश करते रहे। तुम जरा सवेरे सवेरे मूड फ्रेश करने आ गए हो ना, फिर कहते ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। ब्लॉगिंग ही बंदे मरा है। मैं देख तेरे बाल में जान के नहीं फड़े, मैं तेनू पहला दसता। मैं भी जान के नहीं फड़े तेरे बाल। देख ला अज राधा अष्टमी है, ऐ मेरे बाल। मैं भी तेनू कह रहा राधा अष्टमी, मैं कही छड़ दे फिर। तेनू तेनू पता नहीं, मैं भी तेनू कह रहा इन इन्नी मेहनत ला के वैक्स ना बाल सेट किए, तू मेरे बाल देख कितना फड़े। मैं तो थोक ला के कीते, मैं तेनू दस रहा इत्थे फंक्शन खराब हो जाना। थंबनेल दा मिल गया अपने नु, रेस्टोरेंट में हुई लड़ाई। गाइस ऐसे ही पेंचो यार, मेरे कुंडलाने बाल है यार, मतलब करली बाल है, सेट ही नहीं होने उन्होंने जब तक मैं गिल्ला नहीं करूंगा यार। हुण बिल देने लिए तैयार नहीं गाइस, मैं इसका गुस्सा उतारूंगा। देख तू भैन, देख वो भी वैसे भी मैं ही देना सीगा। वो तो तू ही देना बिल हमेशा, तो तू देता, मैं देता ही नहीं कभी भी। कल मौसा कहते मैं देना, मैं तो नाल दी नाल पिछे हट गया। मैं पता इन्होंने एक बार मेरी क्लास लाती थी, दो साल है। सो गाइस, जैसे कि आपको बताया था, चाचे हुनी भी आ रखे हैं एंड इसकी डिटेल वीडियो करेंगे अपने दूसरे चैनल पे। एंड बस बाकी लोग जा रहे हैं, थोड़े किसी फंक्शन के लिए रेडी हो गए थे हम एंड सो चलते हैं। एंड बाकी नन्नू तो जा रहा है, गोविंद तो जा रहा है, एंड देखते हैं क्या सीन बनता है अभी। तो गाइस, खाना खुना खा के हो गए हैं फ्री। एंड सुबह तो आपने सबने उत्सव देख ही लिया होगा, एंड फिर उसके बाद ज़रा फ्री हो गए फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड बाकी सुबह वाला उत्सव देखा कैसा था गोपाल? बहुत बढ़िया। और यूट्यूब पे नहीं है ना वो वाला उत्सव? सो गाइस, ये पहली चीज़ होगी यूट्यूब पे जो मैं डालूंगा। अब व्यूज़ आपके ऊपर है, देने दे दो नहीं देने ना दो, बाकी अपन काम अपना करता रहे हैं।
कोई टेंशन टूंशन लेते नहीं है, ये रही अपनी किया एंड इसके फुल फीचर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में। बाय गाइस, ध्यान उंगल परे कर, उंगल परे कर। सो गाइस, सो गया था, सो के उठा हूँ अभी, इतनी ज़्यादा थकावट होगी क्योंकि सुबह वाला जो उत्सव होता है वो बिल्कुल 3:30 बजे उठ गए थे एंड फिर उसके बाद बिल्कुल भी बैठ के नहीं देखा एंड तो ये था हमारा राधा अष्टमी का उत्सव। बहुत बढ़िया दिन था आज, बहुत ज़्यादा बढ़िया दिन था एंड हम मनाते तो बहुत सालों से आ रहे हैं, मतलब मेरी होश में, लेकिन YouTube पे दिखाया ही नहीं किसी ने कभी एंड ये सब है एंड बहुत शरीर वगैरह भी ना ऐसे टूट रहा है। गोविंद भी चला गया है चंडीगढ़, कल हम भी निकल जाएंगे वापस एंड तो ऐसा सही है सिस्टम, देखते हैं। अभी 8 बजे मैं बाहर निकलता हूँ, सोच रहा हूँ कि इस्कॉन मंदिर जाऊँ, कुछ कराऊँ, खाया हूँ जाके, भूख बहुत लगी हुई है यार, लेट्स सी क्या सीन बनता है एंड बढ़िया यार यहाँ पर सिस्टम ना। एक्चुअली मैं सो गया, व्लॉग भी मैंने 4 बजे अपलोड कराया यार, मतलब प्राइवेट से पब्लिक, मैं सो गया था, याद ही भूल गया कि व्लॉग अपलोड करना है। तो चलो चलते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे सबसे। सो गाइस, डिनर वगैरह हो गया है एंड इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड देन फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही लाइक करते रहें, आपके लाइक करने से मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में जाती है, उससे बढ़िया हो जाता है सिस्टम। हर हर महादेव, राधे राधे।